वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एडवेंचर। तो अभी हम जो है दोस्तों, मैंने आप पिछले लोगों को बताया था कि हम इस बार पे निकल रहे हैं, तो इस लोगों में यहाँ से और रिजॉर्ट तक का आप लोग बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं और कैसे कि आप लोग मस्ती करते जाते वो भी हम आप लोग दिखाएंगे। तो बने रहिए आप लोग। बहुत अच्छा द्वारपाल खड़ा करा इन्होंने, काफी जने आ गए तो बहुत अच्छा द्वारपाल खड़ा किया। चलो चलो भाई, बहुत अच्छी क्या है। पहुंच चुके हैं अपने रिसोर्ट पे और जो है रूप वगैरह देखते हैं किसको कौन सा मिलता है। तो लेकिन जगह आपको मैं दिखाता हूँ कैसी जगह है। यहाँ कैसे भरा हुआ है, नीचे ये ग्राउंड है, यहाँ हम क्रिकेट खेलेंगे शाम। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है हमको। और इसके पीछे रिवर है और ये पक्की तो हो रहे हैं, ये देखिए ऐसा है पूरा। तो गाइस यहाँ ये हमारे रूम के गेट है और ये वाला हमारा रूम है, ये समीर और विकास का रूम है, ये है मेरा और पारस का रूम। अभी यहाँ पे लाइट नहीं आई है। किसने बोला था, ले 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 ले। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। तो मतलब भी कुछ विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, अंधेरा सा हो रहा होगा क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट नहीं है। बस अच्छा है, काफी ठीक है, बालकनी नहीं है लेकिन हाँ इसका हटाओगे तो थोड़ा इधर कुछ नहीं है। और ये अलमारी वगैरह दे रखी है, कुछ हमको यूज तो इसका है नहीं। और डिजाइन था वॉशरूम, ये आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये पूरा रिजॉर्ट एक ही है, इसमें रुके हुए हैं और ये जरा व्यू चेक कीजिए आप लोग, देखिए क्या अच्छे से ये बढ़िया था गुरु। नीचे नदी और ये तो रिसोर्ट है, ऊपर नीचे ये सब ये देखिए। देख रहे हैं आप, तो ऐसे आप देखिए ये मतलब यहाँ पे शाम के टाइम चाय वगैरह पी जाए और मतलब या व्यू काफी अच्छा है। और मैं मतलब इधर पहली बार आया हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड नैनीताल आया था इससे पिछली बार ट्रिप में, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद वो दूसरी बार मैं उत्तराखंड में आया हूँ और घूमने के लिए। मैंने तो काफ़ी बार गया हूँ, जैसे पूर्ण मैंगरी गया हूँ, रुद्रपुर गया हूँ, तो वो एक अलग पड़ जाता है। लेकिन जो प्रॉपर ट्रिप होता है हमारा ट्रैकिंग वगैरह, तो वो मैं इधर दूसरी बार आया हूँ। तो और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि हमारे साथ क्या हो गया था, क्योंकि हम काफ़ी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा लेट हैं क्योंकि हमको कल रात को 12 बजे निकलना था और हमको निकलना पड़ा सुबह 3:30-4 बज गए।
तो ऑलमोस्ट उसका रीजन था कि जो हमारा पहले बस आने वाली थी, उन्हें बुक किए थे मिनी बस, इसको ट्रैवलर बोलते हैं, वो एंड टाइम पे उसने मना कर दिया। हाँ, चूत गई। ऐसा भी नहीं, पेमेंट नहीं, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया था, बट उसने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर कार वाले को बोला कि एर्टिगा कार मिल जाए हमको तो, बट वहाँ भी नहीं हो पाया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कैसे करके भी यहाँ ये हुआ है, ट्रैवलर दूसरा आया, उसके बाद वहां से हम आए थे, हमारे द्वार गए, हेलो वाला आप लोग देखा होगा। तो अभी तो मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, लाइट भी नहीं है अभी तो, और यहाँ पे जो अभी है नेटवर्क भी जा चुके हैं, मेरे दोनों सिम के नेटवर्क जा चुके हैं, तो अभी तो शायद वीडियो मुश्किल आ पाएंगे। जैसे ही नेटवर्क आएंगे या मैं नोएडा जाऊँ, नोएडा पहुँचता हूँ, उसके बाद सारी वीडियो लाइन वाइज लाइन एपिसोड पूरा मतलब प्रॉपर करके मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चेक करना, देखना, बताना कैसे क्या लगा आपके लिए, लोकेशन कैसी लगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया है और आगे भी आएगा, और इससे अगले वाले ब्लॉग में हम इसका पूरा एक ओवरव्यू देंगे रिजॉर्ट का। अभी तो मतलब बहुत थोड़ा सा मैंने दिखाया है आपके लिए। तो मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, और अब तो मतलब डेली डेली वीडियो आएगी, तो आप बस देखना। और टाइम का मेरा फिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो हम लोग को ऑफिस होता है, तो कभी हम लेट हो जाते हैं, कभी जल्दी हो जाते हैं, और सुबह वीडियो हम डाल नहीं सकते, दोपहर में हम डाल नहीं सकते। और शेड्यूल भी करना है इन द सेंस कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कोई देखता नहीं है, तो इसलिए हमारी वीडियो शाम को ही आती है। क्योंकि कई लोग ने मुझे मिले तो वो पूछते भी हैं कि भाई यार शाम को क्यों डालते हो, दोपहर में डाला करो। तो दोपहर में भाई रीज़न यही है कि दोपहर में डालने के बाद ना फिर उस टाइम लोगों के पास टाइम नहीं होता, शाम को आराम से फ्री फ्रेश मूड से वीडियो देख सकते हैं, उनको समझ आएगा कि वो किस चीज़ की वो वीडियो बनाई है, इसलिए हम शाम को डालते हैं। पर यही मोटिव रहता है कि कोई भी हम चीज़ डालें तो उसका एक रहे कि हाँ ये वीडियो हमने क्यों बनाई है, ठीक है। तो इसीलिए अपने मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए गुड बाय।